सारी मेरी सनस्क्रीन बह गई, मेकअप निकल गया, माया भी। They say little knowledge is very dangerous. हमारा चलान कर गया यहाँ पे। Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. This is the part 2 of our Thailand travel series. I hope aapne part 1 dekh liya hoga. So in the part 1 we travel like Phuket, thoda nearby area humne travel kiya, Patong ho gaya, the Bangla road, then old town Phuket bhi humne explore kiya tha. So make sure you watch that part 1 so that you can वॉच इट इन कंटिन्यूटी। सो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं थोड़े बीचेस। 2 दिन बाद बारिश बंद हुई है, द वेदर इज एक्चुअली वेरी प्लीजिंग, सो फाइनली हम थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं बिकॉज 2 दिन बहुत बारिश थी। कल भी हम बारिश में फुकेट ओल्ड टाउन गए थे, अभी थोड़ा वेदर प्लीजिंग लग रहा है, देर इज नो साइन ऑफ रेनफॉल एज इफ नाउ, टच वुड ना हो तो अच्छा है बिकॉज बीचेस पे अगर बारिश हो गई ना तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इज माई ओ टी डी फॉर टुडे बिकॉज वी आर गोइंग टू द बीच। सो आज पिकनी पहनी है अंदर, कल भी मैंने पहनी थी बैकअप के लिए कि इनकेस बीच आएंगे, लेकिन कल हम बीच नहीं गए थे। सो वेयरिंग दिस ऑरेंज वन विद अ हिपस्टर काइंड ऑफ बिकनी, दिस इज वेरी वेरी कंफर्टेबल, सो जस्ट इन केस यू फील शाय यू कैन बाय दीज। ये मैंने बाली से ली थी बाय द वे, एंड वेयरिंग दीज स्कॉर्ट्स, लाइक यू कैन से स्कॉर्ट्स बिकॉज ये नीचे शॉर्ट्स है लेकिन स्कर्ट के लुक देती है। मैंने सेम फर्स्ट डे पहनी थी ब्लैक कलर में और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सेम ब्रांड से दूसरा प्रिंट मंगवाया लेकिन इन द साइज 30 बिकॉज 20 है थोड़ा टाइट लग रहा था, सो मैंने एक प्लस साइज मंगाया है इसमें। लव इट यार, बहुत अच्छी है। पॉलिएस्टर की तो बहुत जल्दी सूख भी जाती है। एंड देन आई हैव दिस टू जस्ट कवर अप ओवर माय बिकनी। आई एम रेडी कैरिंग दीज मिनीसो के सनग्लासेस जो मैंने रिसेंटली दिल्ली से लिए थे। ऑल्सो आई शॉट द वीडियो ऑफ नायका लिप ग्लॉसेस। नायका ने जस्ट अभी अपने लिप ऑयल्स लॉन्च करे हैं, उसका ये वाला शेड मुझे बहुत पसंद आया, सो आई एम कैरिंग दिस वन एज वेल। द टॉप, द स्कर्ट, मैंने स्टार्टिंग में आई थिंक इसका येलो वाला दिखा था लेकिन वो मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने ग्रीन पहन लिया बिकॉज इसमें ग्रीन है तो ये परफेक्टली जा रहा है। एंड या वी आर रेडी टू एक्सप्लोर द बीचेस। उससे पहले ब्रेकफास्ट करना है बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ लवडी में हमने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था, इनका ब्रेकफास्ट मेन्यू हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे बिकॉज ऑब्वियसली इट्स मोर लाइक अ हॉस्टल। एंड यहाँ के 7-Eleven में बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं खाने पीने के, वेजिटेरियंस के लिए इतने नहीं होते, अमन के लिए ज्यादा ऑप्शन है, बट चलो ठीक है, आई विल सी व्हाट आई विल हैव। आल्सो सनस्क्रीन इज अ मस्ट फेस पर, तो मैंने डॉट एंड की सनस्क्रीन लगा लिया। फॉर बॉडी आई एम यूजिंग दिस डॉक्टर शेट्स की सेरामाइड एंड वाइटामिन सी, दिस इज अ लॉन्ग लास्टिंग वन, ये जस्ट अभी लॉन्च हुई है इनकी लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन, तो बॉडी पर ये लगा रही हूँ अच्छे से। सॉलिड बारिश के बाद सॉलिड धूप पड़ गई है, द स्काई इज ऑल क्लियर, पहले बहुत काले काले बादल थे, आज तो एकदम क्लियर स्काई है, तो वेदर इज़ एक्चुअली गुड। धूप अब लग रही है, अब लग रहा है कि हाँ थाईलैंड में आए, गर्मी में बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है। नाउ वी हैव टू ईट द ब्रेकफास्ट, सुबह से कुछ नहीं खाया यार, मुझे तो लिटरली बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं सुबह कुछ नहीं खाती ना, आई हैव टू ईट उठते ही खाना, तो फटाफट से देखते हैं कहाँ खाना है। This particular 7-Eleven has its own cafe as well, so you can have a nice coffee and sit, perfect for breakfast. Yes, super excited to try this. काफी अच्छी मिल गई यार क्वांटिटी में, मतलब for the price point 60 में, 60 की है यहाँ की। हाँ, this is our breakfast. यहाँ पे एक नया rule आ गया, I don't know, Bangkok के time भी नहीं था, तो यहाँ पे 7-Eleven में card swipe कराने के लिए आपके 200 का, बैंकॉक में नहीं था, अच्छा यहाँ पर, हाँ फुकेट में रूल है 200 का बिल होना चाहिए, सो हमने लिटरली सब कुछ इतने अमाउंट का लिया कि हमारा 200 सेट हो जाए, प्लस कुछ एक्स्ट्रा ले लिया फॉर ट्रैवलिंग। एंड या वी आर सॉर्टेड, नाइस, ज़्यादा ठंडी है, इट्स गुड। Few inches later, they say little knowledge is very dangerous. हमारा चलान कर गया है यहाँ पे। We thought जब आप एक नई कंट्री में आते हो आप फर्स्ट 10 या 15 डेज के लिए अपने लाइसेंस पर ड्राइव कर सकते हो, मैंने कुछ रील में देखा था बट आई थिंक वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, इन्होंने हमें यहाँ पे रोक लिया है। एंड नाउ वी आर फाइंड फॉर 1,000 baht विच इज़ अ लॉट, मतलब INR में 2,500 रुपये हमें कन्वर्ट कराने पड़ेंगे ऑलमोस्ट टू पे द फाइन। एंड येस, अभी फाइन पे करते हैं, ऐसे निकलते हैं, देन वील सी कि इंटरनेशनल कैसे अप्लाई होगा। दे सेड क्विकली हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो हम फाइनली अब करा लेंगे इंटरनेशनल। स्कूटी एंड दिस इज अ वे ऑफ, यहाँ से पैदल जाना है लिटरली, वी हैव टू क्रॉस द जंगल टू गो टू द बीच, सो या लेट्स गो। काफ़ी खतरनाक रास्ता है, अब तो आ गया बीच रास्ते से वापस, क्या जाना। इनको ऊपर लिखना चाहिए, इनको ऊपर लिखना चाहिए रिस्की रोड अहेड,
रोड भी नहीं है यार इस जंगल, ऊपर से रास्ता खत्म नहीं हो रहा। सारी मेरी सनस्क्रीन बह गई, मेकअप निकल गया। And we have reached quite a risky way, but the beach looks beautiful. So enjoy. पवन, literally no Indian है, दूर दूर तक कोई इंडियन नहीं दिखाई दे रहा। पहला बीच देखा जहाँ पे कोई इंडियन नहीं है, काफी खतरनाक रास्ता था, बट इट्स ऑल वर्थ इट। द वेदर इज गुड, एज इन धूप काफी है, बिकॉज ऑब्वियसली मई में आओगे तो यही होगा। मई वैसे सीजन नहीं होता थाईलैंड आने का, बट चलो कोई नहीं, बर्थडे ट्रिप है तो मना ली हमने। एंड या इट्स नाइस, आई टुक अ नाइस डिप इन वाटर, ज़्यादा डीप नहीं गई बिकॉज फिर बाल गीले हो जाते हैं। अभी हाइकिंग करके वापस जाना ना, फिर बाल गीले हो जाते हैं, वेट ज़्यादा हो जाता है, प्रॉब्लम होती है। सो या हल्का सा मैं अंदर गई थी, इट्स वेरी वेरी सॉल्टी एंड इट्स नाइस। अभी है आधा बचा है काफी। वी डिड इट गाइस, वी डिड इट, चैलेंज एक्सेप्टेड। पता नहीं क्या यहाँ पे कीड़े कीड़े ऐसे पैरों में लग रहे हैं यार, इचिंग हो रही है, द होल सैंड इज इन माय बॉडी। अब हम होटल जाएंगे और शॉलेंगे और डालू इसमें। तो जब भी मैं ऐसे व्लॉग्स डालती हूँ ना, सब मेरे से पूछते हैं कि आप क्या स्किन केयर रूटीन फॉलो करना प्रेफर करते हो। जब भी मैं ऐसे बीची वेदर में आती हूँ, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मुझे हमेशा एक्ने हो जाते हैं। लाइक राइट नाउ आई एम ब्रेकिंग आउट ऑन दिस रीजन अ लॉट, सो आई मेक श्योर टू कैरी माई वेरी सिंपल स्किन केयर रूटीन जो मेरे एक्ने और मार्क्स दोनों के साथ डील करता है। सो लेट मी क्विकली शेयर और साथ ही साथ मैं आपको अपना रूटीन भी करके दिखा दूंगी। स्टेप नंबर वन इज अ गुड फेस वॉश। आई एम यूजिंग द डर्माकोस सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश। इसका नाम सैलिसिनामाइड क्यों है, बिकॉज इसके अंदर है 2% सैलिसिलिक एसिड एंड 2% नियासिनामाइड। दोनों ही बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट है फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करते हैं, ब्रेकआउट्स को कंट्रोल करता है सैलिसिलिक एसिड, नियासिनामाइड पोर्स को अनक्लॉक करता है, एंड ओवरऑल ये एक्ने मार्क्स पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो आई पर्सनली लव दिस वन। इसका बहुत अच्छा जेल कंसिस्टेंसी है, फोम बहुत अच्छे से होता है, एंड इट क्लीन्स अप माई स्किन लाइक अ प्रो। नेक्स्ट अप इज अ परफेक्ट सीरम। आप जब भी ट्रैवल करो ना, तो मैं वो कांच वाली बॉटल नहीं लेके जाती सीरम्स की, एंड आई लव दिस वन बिकॉज इट इज ट्रैवल फ्रेंडली एंड इफेक्टिव टू। दिस इज द डर्माकोस सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने सीरम। इसके अंदर भी मिलेगा 2% सैलिसिलिक एसिड एंड 5% नियासिनामाइड। आप इसको एज अ फुल सीरम भी यूज कर सकते हो या फिर एज अ एक्ने ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हो। मैंने इसको अपने ब्रेकआउट्स के ऊपर भी स्पेसिफिकली लगाया था एंड इट वर्क्ड रियली वेल। ओवरऑल ये क्लियर स्किन देने में अच्छे से हेल्प करता है, एक्ने को भी रिड्यूस करता है, लेकिन एट द सेम टाइम मार्क्स पे भी वर्क करता है। एंड लास्ट स्टेप हैज टू बी अ गुड सनस्क्रीन, एंड यू गाइज नो माय लव फॉर दिस पर्टिकुलर सनस्क्रीन। दिस इज द डर्माकोस 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल। इसमें है SPF 50 विद पावर ऑफ PA 4x+। काफी लाइट वेट है, फ्रेग्रेंस फ्री है, कोई व्हाइट कास्ट नहीं आती, एंड आई लव द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन ई। ओवरऑल सन डैमेज को भी कम करती है और स्किन को एकदम सॉफ्ट बना देती है। इससे बहुत अच्छी स्किन ड्यूई हो जाती है, तो इसके ऊपर मेरा फाउंडेशन काफी अच्छे से ग्लाइड होता है। सो दिस वॉज माई क्विक एक्ने प्रोन स्किन केयर रूटीन। डर्माको के सारे प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस फ्री है एंड दे आर वेरी सेफ फॉर स्किन, डेफिनेटली चेक इट आउट। आप ये ले सकते हो डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट से। यू कैन यूज माई कोड Kashika2024 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ। और जब भी आप डर्माको से लोगे, यू आर एक्चुअली एम्पावरिंग 15,000 स्टूडेंट्स विद ए यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव। सो एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद बूम। ऑल्सो बाई दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम नायका, एमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड पर्पल। आई लिंक ऑल द प्रोडक्ट्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। क्विकली केम बैक टू आवर होटल, फटाफट से शॉवर लिया, बिकॉज आई मुझे मिट्टी मिट्टी थी ऐसी बॉडी में घुसी हुई थी, सो आई वाज लाइक मैं एक और बीच अभी नहीं जा सकती, आई हैव टू टेक अ शॉवर। एंड दिस इज द सेकंड आउटफिट। आई कैन ओनली वेयर शॉर्ट्स बिकॉज स्कूटी पर बैठना शॉर्ट्स में कंफर्टेबल होता है। सो या इससे पहले हम लंच करेंगे एंड देन वी गो टू द मोस्ट फेमस बीच ऑफ होटल। Oh,
बाहर स्कूटी से, नाउ वी हैव टू वॉक मोर बिकॉज उन्होंने कहा आपको बाहर स्कूटी खड़ी करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो तो अंदर तक स्कूटी लेके जा रहे हैं। एंड दिस इज़ द बीच, अभी तक कोई फ्लाइट दिख तो रही नहीं आती हुई, वन हमारा आना बड़ा वो हो जाएगा अगर यहाँ पे कोई फ्लाइट नहीं आई। आई वॉन्ट दैट फ्लाइट वाला शॉट, ये वाला जो बीच है ये फेमस ही इसलिए कि एकदम ऊपर से प्लेन जाता है, काफ़ी लोग पिक्चर्स लेते हैं। सो सी लम इतना दूर आया, लिटरली 1 आवर की स्कूटी राइड इज अ लॉट। आई होप ये वर्थ इट हो यार। दिस इज़ द मैकाओ बीच जहाँ बहुत कम लोग आते हैं, बिकॉज यू कैन सी कोई नहीं है आसपास, दूर से जहाँ भीड़ दिखती है आपको। सो आई थिंक दिस इज़ द स्पॉट जहाँ से प्लेन्स जाते होंगे, बिकॉज पीछे एयरपोर्ट है ये। दिस इज़ द एयरपोर्ट और यहाँ से प्लेन्स एकदम जाते हैं एंड पीपल टेक पिक्चर्स। दिस इज़ ब्यूटिफुल यार, बहुत सुंदर है, इट्स पीसफुल, इट्स सरेन। चेंज्ड अगेन, ऐसा लग रहा है मैं इस मिरर में कोई मैजिक कर रही हूँ, ऐसे टैप टैप करके चेंज कर रहे, बट वी केम बैक। इसी खाना ना, दिस इज जस्ट ऑपोजिट टू दिस स्मॉल जंक स्टॉप। Find this, I think she quoted 350 first and then she came down to 250 or 200, I'm not really sure, I think 200. The next morning, time to go Fifi Island. This is our breakfast, by the way. Veggie patty hai na pakka? Veggie salad hai na. Hum barish mein island tour karne ja rahe hain. Jai Mata Di. Finally, after a long journey, we have our, I don't know what is it called, maybe harbour or something, but the harbour, maybe the ship is filling the form or something. We are ready to go. Snorkeling done right. बहुत ज़्यादा सॉल्टी पानी है और से निशान पड़ गया मुझे, इट वॉज गुड। इतना कुछ क्लियर दिख नहीं रहा नीचे, आई डोंट नो व्हाट इज द हाइप, बट चलो ठीक है, मज़ा एंड वी हैव अराइव्ड एट फीफी आइलैंड। हमारा डिपार्चर है यहाँ से 1 PM समथिंग का, उससे पहले यहाँ पे हमारा लंच है विच इज़ इंक्लूडेड इन द पैकेज। उसके अलावा दीज आर द प्राइवेट बोट जिस पर आप जाके आप देखते होंगे काफ़ी इंस्टाग्रामर शूट कराते हैं, सो यू कैन गेट दिस बोट एज वेल, लेकिन इसके चार्जेस अलग से हैं, प्राइवेट का अलग है, कॉमन का अलग है। सो या इंडियन फूड, दिस इज देयर रोटी ब्रेड, रोटी ब्रेड।
कोकोनट आइसक्रीम खाएंगे एंड फ्रिज मैगनेट ऑफ कोर्स जहाँ जाएंगे माय टेम फ्रिज मैगनेट लाएंगे फाइनली कोकोनट आइसक्रीम लुक्स यम्मी पैसे तो देंगे हम पैसे यार क्या हो गया चली गई वो बिना पैसे लिए चली दिस इज डिवाइन ऐसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा यू हैव टू ट्राई कोकोनट आइसक्रीम व्हेन यू कम टू थाईलैंड यम्मी उतर गया बट चलो कोई नहीं पिक्चर्स अच्छे आएंगे लुक एट दिस ठंडी ठंडी हवा द वेदर इज सो गुड टाइनी बीच नॉट इवन वी आई मेरे पति ने मुझे इस बीच पे छोड़ दिया है बिकॉज ऑब्वियसली दिस वॉज फॉर 300 भात एंड ही सेड मिलने वर्थ नहीं है बिकॉज वो पिक्चर्स एंड ऑल नहीं लेता सो आई केम विद अ बंच ऑफ पीपल एंड वी आर हेयर फॉर अराउंड 20-30 मिनट्स हमने बोर्ड पे काफ़ी पिक्चर्स ले लिए अब हम यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स लेंगे बैलेंस बैलेंस द बोर्ड दिस इज द वेरी फेमस बीच माया बीच और माया बे खाली आ रहा पूरा खाली मेरा थोड़ा वेट गेन हो गया तो अच्छा हुआ अदरवाइज मैं उड़ी जाती थी बस इतनी तेज हवा चल रही है वेदर इज सो गुड हल्की सी धूप होती है सन के फोटो बहुत अच्छी आती है बट चलो ठीक है लाइफ में इतना कंप्लेन नहीं करना चाहिए ऑल्सो वी जस्ट हैव 30 मिनट्स हियर हमारे टूर गाइड ने बोला था 30 मिनट्स बाद वापस आ जाना यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग टूर गाइड एंड वी आर गोइंग बैक धूप आ गई इज द लास्ट बीच ऑफ आर डे ट्रिप हाउ नैग बीच छोटा सा बीच है यहाँ पे अगेन हमारा 1 आवर का स्टे है मतलब यहाँ पे इंजॉय करो जो एक्टिविटीज करनी है करो एक्टिविटीज जो भी हैं वो सेपरेटली आपको पे करना पड़ेगा उसका ये इंक्लूड नहीं कर रहे हैं या फाइनली धूप आ गई है अब धूप अच्छी नहीं लग रही बिकॉज अब हो गया यार जो भी पिक्चर्स एंड ऑल लेनी थी सब ले लिया ऑल्सो दीज रैशेस चलो कोई नहीं later and we are back to our hotel I'm ending this vlog right over here I think 2 din ka phuket ka vlog already ho chuka hai ye part 2 sort of jane wala hai tomorrow we are going to koh samui uska bhi ek separate vlog jayega I'll just share everything ki aap koh samui kaise ja sakte ho it is basically a separate island jo thailand ke under hi aata hai lekin ek alag island hai so uske liye next vlog aayega so make sure you watch this that as well and just in case you are loving my vlog give it a big thumbs up subscribe to my channel and let me know aapko kaise lag rahe hain I'm trying my best ki main thoda inko informational banaun aapke liye thoda clear rakhun about the itinerary about everything basically so make sure you subscribe to my channel and iske alawa agar aapke paas koi bhi query hai aap thailand ja rahe ho koi aapko doubt hai aap niche comment section mein pooch sakte ho I'll definitely clear it so see you next time bye bye